Assalamu alaikum everybody. I hope you all are fine. So today's our science class and the topic we are going to discuss today, that is the remaining part of our chapter, that is the power of magnet. So we will discuss some exercises of this chapter from page number 81 to 82. So on the page number 81 we have worked it out. Write yes or no in the correct column beside each picture. हमारे पास क्या है, हमारे पास तीन कॉलम्स हैं जिसमें से एक कॉलम है ऑब्जेक्ट्स का, उसके बाद हमारे पास दो कॉलम्स हैं मैग्नेट कैन अट्रैक्टेड, क्या मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, मैग्नेट कैन नॉट अट्रैक्टेड, क्या मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर सकता है. नंबर वन ऑब्जेक्ट इज पेंसिल, सही है, पेंसिल इज मेड अप ऑफ वुडन, सो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करेगा, सही. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, नो. और यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं करेगा, येस yes, क्योंकि ये वुड का बना हुआ है, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा. द सेकेंड इज फोर्क एंड स्पून, जो किससे बने हुए हैं, स्टील के बने हुए हैं, और स्टील क्या है, मैग्नेट से अट्रैक्ट करता है, मेटल है, सो येस मैग्नेट कैन अट्रैक्टेड. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो. डॉल, डॉल किससे बनी हुई होती है, प्लास्टिक की, तो मैग्नेट से वो अट्रैक्ट नहीं कर सकती, ठीक है, इसलिए यहाँ नो. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, येस yes. कॉइन, कॉइन हमारे पास मेटल्स के होते हैं जिसकी वजह से वो मैग्नेट से बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे येस yes, और यहाँ लिख देंगे हम नो. द नेक्स्ट इज केन, केन हमारे पास क्या है, मेटल का है, तो ये बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इस अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोर्शन में येस yes, और यहाँ क्या आ जाएगा, नो. द लास्ट इज पेपर क्लिप, किससे बनी हुई होती है, ये स्टील से बनी होती है, तो ये बिल्कुल मैग्नेट से अट्रैक्ट करेगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस yes, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास नो. सो इन द नेक्स्ट पेज वी हैव थ्री एक्सरसाइजेस ऑन द पेज नंबर 82. सो इन द एक्सरसाइज ए वी हैव फोर क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मैग्नेट, मैग्नेट क्या है. Magnets are pieces of metals that have the power to attract other pieces of metal. Magnet क्या है, magnet जो है वो pieces of metals है जिनके अंदर power of attraction है, कि वो other pieces of metal से क्या हो सकें, attract हो सकें. The next question is write down the uses of magnets. Number one is magnets are used in refrigerator to keep the door closed. हम magnet को जो है वो refrigerator के लिए use करते हैं ताकि हम उसका door close कर सकें, ठीक है. द नेक्स्ट इज मैग्नेट इज यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज. हम मैग्नेट को यूज़ करते हैं ताकि हम मैग्नेटिक यानी जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, और नॉन मैग्नेटिक जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, हम इन दोनों को क्या कर सकें, सेपरेट कर सकें, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थिंग्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स, ठीक है. तो इट अट्रैक्ट्स मेटल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन स्टील निकल एंड कोबाल्ट. ये किससे अट्रैक्ट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेटल ऑब्जेक्ट्स से जो किसके बने हुए हों, आयरन के, स्टील के, निकल के और कोबाल्ट के. सो द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. सो द आंसर इज मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल. वो मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल. For example, iron, steel, etc. The next is materials that are not attracted to magnets are called magnetic material. वो material जो magnet से attract नहीं होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, non-magnetic material. जैसे कि for example, plastic, glass, wood, etc. So in the exercise B, choose and write the correct option. Number one is a dash is a special material. मैग्नेट और स्पंज, सो मैग्नेट इज अ स्पेशल मटेरियल. मैग्नेट अट्रैक्ट्स डैश वुड और स्टील, सो मैग्नेट अट्रैक्ट स्टील. अ मैग्नेट डजंट अट्रैक्ट डैश, मैग्नेट किससे अट्रैक्ट नहीं करता, प्लास्टिक से, क्योंकि कॉइन किसके बने होते हैं, स्टील के, मेटल के होते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है कि मैग्नेट इससे अट्रैक्ट करते हैं. वी कैन यूज अ डैश टू सेपरेट थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील. हम ऐसी क्या चीज़ यूज़ करते हैं जिससे हम आयरन और स्टील को क्या करें, सेपरेट करें, तो वो क्या है, दैट इज मैग्नेट. सो इन द एक्सरसाइज सी नेम द डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट. नंबर वन इज हमने अभी पढ़ा था कि हम इस शेप के मैग्नेट को क्या कहते हैं, हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट. जो शेप्ड हमारे पास यू शेप का हो मैग्नेट हमारे पास, वो हम इसको क्या कहते हैं, यू शेप्ड मैग्नेट. नंबर थर्ड इज बटन मैग्नेट, एंड नंबर फोर इज बार मैग्नेट, एंड द लास्ट इज
rod magnet. So that's all for today's lecture. Thank you so much for listening me. Everybody stay at home and stay safe. Allah Hafiz.